अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, तो जब उस कंपनी ने यहाँ पे अपना कब्ज़ा जमाया, तो बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हुए। छोटे मोटे रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हो गए इसके अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो 1857 में देखा गया काफ़ी लार्ज नंबर पे, मतलब काफ़ी लार्ज स्केल पे वो रिवॉल्ट था, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी छोटे मोटे रिवॉल्ट्स हुए थे, तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या था कॉज ऑफ डिसकंटेंट, क्या था, क्यों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गए इतने सारे लोग, हर सेक्ट के जो लोग हैं, हर कास्ट के जो लोग हैं, वो क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोज हो गए। तो सबसे पहला काज हम देखते हैं कि जो यहाँ का जो इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो क्राफ्ट था इंडिया का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़, हैवी टैक्सेस उस पर लगाए गए जो इंडिया का जो क्राफ्ट था। तो उसकी वजह से जब वो मार्केट में वो चीज़ें आई, तो कोई भी उनको नहीं खरीद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब टैक्स लगेगा किसी चीज़ पे, तो वो चीज़ महंगी हो जाती है, तो कस्टमर्स को ख़रीद नहीं पाते क्योंकि काफ़ी महंगी होती है। तो वहीं पे जो ब्रिटिश की चीज़ें हैं, वो उन्होंने काफ़ी जो है सोच समझ के अच्छे से मार्केट में उतारी, तो जो मतलब सेल भी हुई, क्योंकि काफ़ी उस पर उतना वो हैवी टैक्स नहीं लगा था। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो जो क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने स्विच किया किस तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ। अब जो क्राफ्ट्समैन है वो एग्रीकल्चर करने लगे, ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न था जो ज़मींदार थे, ठीक है, जो ज़मींदार थे उनको भी ज़बरदस्ती उनकी जो ज़मीनें थी वो हड़पी गई, और उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा उन पर, उन ज़मीनों पे। तो उस वजह से भी क्या हुआ, क्योंकि ज़मींदार भी काफ़ी उनका भी थोड़ा बहुत अप्रोच था, तो उनको भी था कि नहीं हमें अब बदला लेना है ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो एक नया कंसेप्ट जो था प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो भी आ गया इंडिया में, जिससे क्या होता कि जिसके पास भी कोई ज़मीन थी, सिलेक्टेड ज़मीन थी, वो बिल्कुल अपनी उसकी रखवाली करेगा, बिल्कुल एनक्लोज करेगा, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी हुई है। तो उससे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था, तो ये कंसेप्ट ब्रिटेन में भी आया था, फिर उसके बाद इंडिया में भी इन्होंने लागू किया। तो उस वजह से भी जो है, क्योंकि पहले जो चीज़ नहीं थी, फिर बाद में जो इम्प्लीमेंट की गई, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने में आया। हो गए तीन रीज़न। एक और रीज़न था जो ये मनी लेंडर्स थे, ज़मींदार थे, ठीक है, ऐसा नहीं था कि हर किसी को फ़ायदा हुआ या फिर हर किसी को नुकसान हुआ। कुछ मनी लेंडर्स या फिर कुछ ज़मींदार, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए। जो लॉसेस में चले गए, तो उनको तो उनका तो था ही कि अब जो है इनके अगेंस्ट जाना है। दूसरा था, एक और रीज़न था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इंडिगो की प्लांटेशन स्टार्ट कर दी। इंडिगो एक कैश क्रॉप है, मतलब उसको खाया नहीं जाता है, उसको ग्रो करके उसको बेचा जा सकता है, बाद में वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डाई वगैरह है, उसमें यूज़ होता है इंडिगो कलर। तो ये एक ऐसा क्रॉप है जो खाया नहीं जा सकता। तो इंडिया में पहले ही पॉवर्टी इतनी थी, पहले इतनी गरीबी थी वहाँ पे, तो इन्होंने जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने इंडिगो को प्लांट किया, और जो बाकी जो स्टेपल फूड थे जैसे राइस, स्वीट वगैरह, उसके बदले में इंडिगो को प्रेफर किया। अब इंडिया के लोग जो हैं वो ये तो नहीं खा सकते क्योंकि कैश क्रॉप था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है रेबिलियन मूवमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि बहुत सारी कहतसाली हुई, ठीक है, घरों में अनाज नहीं होता था, तो इस तरह से जो है रेबिलियन मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब हम देखते हैं कुछ पर्टिकुलर जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो कौन कौन सी थी। पहली होगी सन्यासी मूवमेंट। सन्यासी, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, सन्यासी का मतलब कि ये उस सेट के लोग थे जो मतलब जिसमें फ़कीर आते थे, सन्यासी आते थे, ये क्या काम करते थे, ये नॉर्थ से आते थे, और जो सन्यासी थे वो गंगा जाते थे, और जो मुस्लिम थे, जो मुस्लिम फ़कीर थे, वो जाते थे बंगाल, ईस्ट बंगाल में। तो ईस्ट बंगाल में जो वहाँ पे श्राइन्स वगैरह थे, वहाँ पे विज़िट करते थे, दोनों हिंदू भी और मुस्लिम भी। तो
जो ये ब्रिटिश थे इनको ये कंसेप्ट नहीं था कि क्योंकि जब ये जाते थे तो वहाँ तब का ये कल्चर था, इवन आज भी है, कि इनको डोनेशन देते थे, ठीक है, पैसे देते थे या खाने के लिए कुछ, यूजुअली डोनेशंस देते थे, जो ज़मींदार थे, मनी लेंडर्स थे, वो उनको डोनेशंस देते थे। तो ब्रिटिशर्स को ये कंसेप्ट नहीं पता था, उनको लगता था कि पता नहीं ये जो लोग हैं ये ज़बरदस्ती इनसे लूटते हैं पैसे या क्या करते हैं, तो उनको ये कंसेप्ट नहीं था कि ये डोनेशन है एक चीज़, ये रिलीजियस लोग हैं इनको डोनेशन दी जाती है, जो ज़मींदार हैं जो मनी लेंडर्स हैं उनको डोनेशन देते हैं, तो उनको लगता कि इनसे पैसे लूटते हैं। तो फिर क्या किया इन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इन पे रिस्ट्रिक्शंस डालना स्टार्ट कर दी। फिर जब ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुआ तो इनको दीवानी राइट्स मिल गए, तो दीवानी राइट्स में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो ज़मींदार्स हैं उनसे काफ़ी टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। तो जब टैक्स लेना उनसे स्टार्ट कर दिया तो उनके पास तो उतना पैसा नहीं था कि वो डोनेट कर पाए उनको, सन्यासियों को, फ़कीरों को। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा इन, ज़्यादा इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि बंगाल फेमाइन हो गया 1770 में, क्योंकि टैक्स अगर फार्मर से टैक्स लोगे उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो क्या किस तरह से वो फार्मिंग करेंगे, तो फार्मिंग स्टॉप हो गई तो अनाज बनना स्टार्ट जो है स्टॉप हो गया, तो इस तरह से फेमाइन जो है 1770 में देखा गया बंगाल फेमाइन। तो फिर क्या हुआ 1772 में क्या होता है कि जो मजनू शाह है, ये जो इनके जो लीडर थे, जो इनका जो सेक्ट था सन्यासी का, ये फ़कीरों का एक लीडर थे ये, इन्होंने क्लेम किया कि जो हमारे 150 मेंबर्स जो है उनको उनको मारा गया, जब मतलब जब ये बंगाल से जा रहे थे तो उनको मारा गया, तो वहीं से जो है स्टार्ट हो गया इनका रेबेलियन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो अब इसमें कौन कौन किस किसने पार्टिसिपेट किया, तो सन्यासी तो थे ही अपने, सन्यासी थे, फ़कीर थे, और वो लोग जो जिनसे ज़मीनें ली गई थी, तो उनने लास्ट में क्या करना था, उनने भी सन्यासी बनना था, फ़कीर बनना था, तो वो लोग भी जुड़ गए इसमें। तो बाकी मनी लेंडर, ज़मींदार जिनसे ज़मीनें ली गई थी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ को, क्योंकि उनसे भी ज़मीनें छीन ली गई थी, उनका कंट्रोल ख़त्म किया गया था, तो सब मिलके जो है इन्होंने एक सन्यासी रेबेलियन मूवमेंट स्टार्ट कर दी, और कुछ छोटे मोटे अटैक करते थे उन पे, मतलब ज़्यादा हाई लेवल पर, क्योंकि स्टार्टिंग में था अभी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा फोर्स था, इनके पास ने आर्म्स वगैरह नहीं थे, लेकिन अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे इन्होंने स्टार्ट कर, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चली नहीं, फिर वैरन हेस्टिंग जो है उसने इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। तो ये थी सन्यासी रेबेलियन मूवमेंट। तो सेकंड आती है रिवोल्ट ऑफ इन मिदनापुर। तो मिदनापुर एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ के जो ज़मींदारों के साथ भी काफ़ी गलत हुआ, तो ज़मींदार वहाँ लगभग कोई 3000 जितने ज़मींदार जो थे, उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे अपने फार्मर्स के साथ, तो जो उनको ज़मीनें देते थे कल्टिवेट करने के लिए, कुछ इस तरह का उनका रिलेशन था, तो काफ़ी अच्छा कॉर्डियल रिलेशन था। लेकिन जब टैक्स जो उनसे ज़्यादा लिया गया, तो इस चीज़ से जो है ज़मींदार जो ज़मींदार थे वहाँ के, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, क्योंकि तो इस सिस्टम को क्या कहते थे, इतादारी सिस्टम, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने नए लैंड जो है लॉज बनाए 1772 में, जिससे काफ़ी हाई टैक्स जो लिया जाता था फार्मर्स से, और फिर ज़मींदार जो है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इस चीज़ को लेके, और फिर जो ज़मींदार थे उनसे भी काफ़ी ज़्यादा उनसे ज़मीनें ली गई, उनको डिपोसेस किया गया। तो फिर काफ़ी ज़्यादा लीडर्स आए इन जो है इन लीडर्स ने जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इस चीज़ को लेके, छोटा मोटा रिवॉल्ट हुआ जो बाद में ख़त्म भी हो गया। तो ये दो रिवॉल्ट थे आज के इस टॉपिक में, एक तो हो गया सन्यासी रेबेलियन मूवमेंट, दूसरा हो गया रिवॉल्ट इन मिदनापुर जो कि बंगाल में है। तो 1857 से पहले कुछ इस तरह के छोटे मोटे रिवॉल्ट भी हुए हैं जो ख़त्म भी हुए हैं जल्दी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब छोटे कहते हैं ना वो बूंद बूंद जमा करके ही समंदर बनता है, तो इसी तरह से ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड से ही उनको काफ़ी ज़्यादा जो हौसला मिला, जो आगे चल के फिर 1857 में देखने को मिला इतना बड़ा रिवॉर्ड, आगे चल के इतनी मूवमेंट्स जो है स्टार्ट हो गई। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो बाकी जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं वो बढ़ेंगे। थैंक यू।